हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लॉरिशिंग समृद्धि। कैसे हो आप सब? मैं ठीक और खुश हूँ। आई होप आप सब भी ठीक और खुश होंगे और मेरे प्रीवियस वीडियोस देख रहे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, जो है हेयर केयर से रिलेटेड। जो इश्यूज़ हम डेली लाइफ में हमेशा फेस करते रहते हैं, इस समय तो मौसम भी मानसून का आ चुका है, सावन लग गया है, तो इस वजह से ह्यूमिडिटी, गर्मी और पसीना इतना ज़्यादा बढ़ गया है। मैं खुद अपनी डेली लाइफ में फ़ेस कर रही हूँ ये हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। मेरा हेयर फॉल अचानक से बढ़ गया है, गर्मी इतनी हो रही है, इसकी वजह से स्वेटिंग इतनी होती है, क्योंकि हम हमेशा तो एसी के सामने नहीं बैठे रहते हैं, हमें और भी काम होते हैं। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो उसकी वजह से भी घर में भी बहुत सारे काम होते हैं, हमें किचन में घंटों बिताने पड़ते हैं, उस समय हमारे बालों में इतना ज़्यादा स्वेटिंग हो जाता है कि बाल बहुत ही ड्राई, डैमेज्ड और अनमैनेजेबल हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है हमारे सामने कि हम इसे कैसे टैकल करें। मैं खुद भी इस प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा फेस कर रही थी। अचानक से मार्च में ही गर्मी स्टार्ट हो गई थी यूपी में, तो गर्मियों की वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ती चली गई और हेयर फॉल इतना ज़्यादा होने लगा, तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इसका एक इंस्टेंट मास्क बनाते हैं, एक नया तरीका सोचते हैं जो तुरंत तैयार हो जाए। कहीं आपको जाना हो, आप इसे एक घंटे पहले अपने बालों में लगा लो, वॉश कर लो, उसके बाद आपके बाल जो हैं अपने आप मैनेजेबल हो जाएंगे, सॉफ्ट फील होंगे। आपसे ये जो अपना एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद एक हाउसवाइफ हूँ, मुझे बहुत सारे काम होते हैं घर पर, मुझे एक सिंपल सा तरीका चाहिए था, तो वो मैंने जब मैनेज किया, अपने लिए निकाला, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। घर में आपको नॉर्मली ये चीज़ें मिल जाएंगी, नहीं है तो बहुत कम कीमत पे आप इन्हें मार्केट से ख़रीद सकते हैं। और चलिए देखते हैं कि मैं अपना इंस्टेंट प्रोटीन हेयर मास्क कैसे बनाती हूं और कैसे अप्लाई करती हूं। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे हेयर मास्क को बनाना कैसे है। तो मैं आपको नज़र नहीं आ रही हूं फिल्म में, क्योंकि मैं अब शो करने वाली हूं मेरे पास जो चीज़ें हैं उनकी डिटेल। तो अब हम देख लेते हैं, मेरे पास जो पहला प्रोडक्ट है वो ये है मोहा का एलोवेरा जेल, जो कि हमारे फेस और हेयर दोनों के लिए ही है, तो मैं इसे पहले यूज़ करूँगी हेयर मास्क के लिए। तो पहला हमारा इंग्रेडिएंट है एलोवेरा जेल। अगर आपके पास प्लांट बेस है, मतलब आपके घर में प्लांट लगा हुआ है, तो आप वो भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप ये जो पैकिंग में आते हैं, कई ब्रांड्स में अवेलेबल है, पतंजलि का है, मोहा का है, हर्बल हेयर एलोवेरा जेल, आपके पास जो भी हो आप वो यूज़ कर लीजिए। मेरे पास मोहा का था तो मैंने इसका यूज़ किया है। फिर इसके बाद मेरे पास है ये कैस्टर ऑयल, ये भी कई ब्रांड्स में अवेलेबल है, तो आपके पास जो भी कैस्टर ऑयल हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। इवन दो आजकल ये आपको मेडिकल स्टोर में भी छोटी पैकिंग में मिल जाता है, उसका प्राइस भी कम होता है। तो वन कैप मैंने इसमें 5 ml के अराउंड ये कैस्टर ऑयल मिक्स कर लिया है, और थोड़ा सा और मैं इसमें मिलाऊंगी, क्योंकि कैस्टर ऑयल जो है वो बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, और मैं बहुत पहले से कैस्टर ऑयल का यूज़ करती आई हूँ, जब मैं हेयर ऑयल भी लगाती हूँ तो मैं उसमें भी थोड़ा सा कैस्टर ऑयल मिक्स करना प्रेफर करती हूँ। तो ये था हमारा कैस्टर ऑयल। और फिर मेरे पास ये फ्लैक्सीड ऑयल, आपने 5 ml के करीब ही मैंने इसमें कर लिया है। ये ऑयल आपको कहीं से भी मिल जाएगा, अगर जनरल स्टोर पे देखेंगे तो भी मिल जाएगा, ऑनलाइन भी आता है तो आप ऑनलाइन भी इसको ख़रीद सकते हैं, और ये जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं सभी ऑनलाइन अवेलेबल हैं। फिर मेरे पास है विटामिन ई का कैप्सूल, तो ये एक कैप्सूल है मेरे पास, ये एवियन का है और ये काफ़ी फेमस है, आप किसी भी केमिस्ट की शॉप से ये ख़रीद सकते हैं। आई थिंक ये 30 rupees के अंदर भी नहीं मिल जाता है। तो ये एक कैप्सूल आप देख सकते हैं, ये मेरा पूरा मिक्सचर है, ये इसमें मैंने डाल दिया। और उसके बाद मैं थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल यूज़ करूँगी, ज़्यादा नहीं, अपनी पसंद से कोई भी एसेंशियल ऑयल, लाइक लेमन हो गया या लेवेंडर हो गया, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। टी ट्री है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अगर आपको डैंड्रफ हो रखी है, इन्फेक्शन है, इचिंग हो रही है स्कैल्प में, तो टी ट्री का यूज़ करेंगे तो और भी अच्छा है। मैं ऑनेस्टली बताऊँगी, मेरा टी ट्री का जो ऑयल था वो ख़त्म हो गया, इसलिए मैं उसे उसमें यूज़ नहीं कर पा रही हूँ। तो अब ये हो गया है हमारा जो हेयर मास्क है, उसके इंग्रेडिएंट मैंने इसमें मिक्स कर दिए हैं कुछ इस तरीके से, ऑयल अभी भी सेपरेट दिख रहा होगा आपको,
अब मैं इसे अपनी फिंगर से ही मिक्स कर लूँगी क्योंकि मुझे अब इसे लगाना ही है तुरंत। तो इसे आप जब मिक्स कर लेंगे प्रॉपरली विश करके तो ये क्रीम फॉर्म में हो जाएगा। देखिए आप इसे बना के स्टोर तो कर सकते हैं लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ क्योंकि 5 मिनट लगते हैं केवल बनाने में, अगर आपका सामान आपके पास है तो फ्रेश बनाए, फ्रेश ही लगाएं। तो ये अब इस तरीके से रेडी हो गया है। तो अब हम इसको अप्लाई कैसे करना है ये देखेंगे। फ्रेंड्स मैंने दिखाया आपको कि मैंने इंस्टेंट लैंडमार्क 5 मिनट्स में कितने प्रोडक्ट थे और कैसे रेडी कर दिया है। तो अब है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कि हम इसे अप्लाई कैसे करेंगे। तो अप्लाई करने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात है कि आप अपने बालों को बहुत अच्छे से कोम करते हैं, मतलब आपकी जो फिंगर्स हैं वो बालों से ईजिली पास हो रही हैं, कहीं भी फंसे ना, ताकि आप जब मास्क अप्लाई करो तो ईजिली अप्लाई हो जाए और उसमें ज़्यादा टाइम ना लगे। क्योंकि मास्क लगने के बाद एक बार अगर आप फिर से कोम करोगे बालों को तो वहाँ से आपका जो हेयर फॉल है वो बढ़ सकता है। तो मैं इस तरीके से नीचे से मास्क लगाना शुरू करूँगी और फिर अपने बालों की पूरी लेंथ को कवर करूँगी। और ये मास्क जो है क्योंकि इस टोटली सेफ इन्ग्रीडियंट्स से बनाया गया है तो आप इसे अपने रूट्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने हाफ सेक्शंस डिवाइड कर दिए थे दोनों साइड पर और फिर मैंने मास्क सभी रूट्स में और लेंथ में इस तरीके से अप्लाई करूँगी। आप जब ये मास्क गर्मियों में अप्लाई करेंगे तो ये काफ़ी सूदिंग और ठंडा ठंडा सा लगता है। तो इस तरीके से मैंने अपनी रूट्स में भी मास्क को अप्लाई कर लिया है। तो बस ये अब हमारा इंस्टेंट जो हेयर मास्क है इसे मैंने अप्लाई कर लिया है। तो अब ये मैंने पूरी तरीके से अप्लाई कर लिया है और फिर मैं बालों को सिक्योर कर लूँगी अपना जो क्लचर है उसको लगा के, और फिर मेरे पास जितने भी मेरे काम हैं मैं उन्हें ख़त्म करूँगी। और तो अब मेरा मास्क लग चुका है, मैं वॉश करूँगी फिर दिखाऊँगी आपको कि इसको करने के बाद मुझे क्या रिजल्ट मिले हैं। एकदम मैजिकल कोई मैजिक सा नहीं होने वाला है, फिर भी आपके बाल जो है वो मैनेजेबल हो जाते हैं, थोड़ा सॉफ्ट फील करते हो, अच्छा फील करते हो आप। इसलिए ये इंस्टेंट हेयर मास्क है जो आप 5 मिनट में बनाएं। और हाँ, अगर आपके पास इसमें से ये फ्लेक्सी डॉल जो नॉर्मली नहीं रखते हैं हम अपने घर में आजकल तो ये नहीं है, तो आप इसे स्किप करके आप अपने पसंद का कोई दूसरा ऑयल, जैसे आपके पास कोकोनट ऑयल है तो वो भी आप एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए, या फिर आपके पास जो हम स्वीट आलमंड ऑयल यूज़ करते हैं वो है तो आप वो भी मिक्स कर सकते हो, अपनी पसंद का कोई भी ऑयल आप इसमें मिला सकते हो। तो ये हो गया हमारा पूरा प्रोसेस। और एक टिप भी थी इसके साथ कि अगर आप कभी ये सारी चीज़ें भी नहीं कर पा रहे हैं और शैम्पू कर रहे हैं तो शैम्पू करने के बाद आप थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगा के उसको बालों के साथ, मतलब शैम्पू के साथ वॉश कर दें और एक बार और फिर से इस चीज़ को रिपीट करें कि एलोवेरा जेल लगा के एज अ कंडीशनर उसे वॉश कर दें, उससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी और जो मैंने चीज़ें बताई वो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसा कि मैं कहती हूँ मुझे मोटिवेशन मिलेगा यूट्यूब पर रहने के लिए। तो हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, छोटों को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, बड़ों को ढेर सारी रिस्पेक्ट। हम मिलेंगे फिर से नए टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय।